आज की डेट में बहुत ही रेलिवेंट चीज है और बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस हैं कि वैक्सीन का कैसे करेंगी। अब री इन्फेक्शन का स्टेटस वी डोंट नो, मोस्ट लाइकली 4-6 महीने तक नहीं होना है, तो क्या फिर भी मुझे वैक्सीन की जरूरत है? मेरी बॉडी में तो एंटीबॉडी ऑलरेडी चल रही है, तो मुझे फिर वैक्सीन की क्या जरूरत है? तो इसमें मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ समझाना चाहूंगा। हमें ये चीज ध्यान रखना है कि एंटीबॉडी जो स्टडीज कहती है वो 4-6 महीने में धीरे धीरे डिके होती है। आगे का अभी हमारे पास डेटा नहीं है, तो वी कैन नॉट एक्चुअली से। बट एक एग्जाम्पल से बात करते हैं कि सपोज मैं दिल्ली से एक मनाली जा रहा हूं, 500 किलोमीटर दूर मैं कहीं जा रहा हूं, मैंने आज देखा है मेरी कार के अंदर मेरा पेट्रोल है। अब मैं यहां से चंडीगढ़ पहुंचा हूं, मेरी गाड़ी के अंदर पेट्रोल कम हो गया है। फिर मैं उसके आगे थोड़ा 100 किलोमीटर और आगे गया, मेरी गाड़ी का पेट्रोल और कम हो गया। तो मेरे लिए क्या एडवाइजेबल होगा कि मैं अपना एंड तक अपना उसी पेट्रोल में काम चलाऊं, या बीच में जहां मुझे पेट्रोल पंप दिखे मैं अपना फ्यूल रिफिल करा लूं? तो एक बहुत ही बेसिक एग्जाम्पल था, लेकिन इसको एंटीबॉडी से समझने की ट्राई कीजिए कि आज मेरे को कोरोना हुआ, मेरी बॉडी में एंटीबॉडी रिस्पॉन्स बहुत अच्छा बना। अब वो जो अच्छा रिस्पॉन्स मेरा बना है, बट मुझे पता है ग्रेजुअली वो धीरे 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 करके कम होने लगेगा। इसके बीच में अगर मैं एक वैक्सीन का बूस्ट लेता हूं, अगर वैक्सीन लूंगा तो मेरी एंटीबॉडीज फिर से ऊपर जाएंगी। तो जितना ज्यादा मेरा एंटीबॉडी बनेगा उतना मैं अपने आप को प्रोटेक्टेड फील करूंगा, उतना दोबारा होने का चांस कम होगा, उतना मेरा कैरियर बनने का मे बी पॉसिबिली चांस कम। तो इससे हमें ये क्लियर है कि और जितने भी WHO CDC या जितने भी जैसे US UK में वैक्सीन ड्राइव स्टार्ट हो गया है, वहां पर भी सेम रिकमेंडेशन है कि जिसको कोरोना हुआ भी है उसको भी वैक्सीन लेना है, उसको भी अपने दोनों डोज लेने हैं, उसको भी अपना फुल डोज या फुल कोर्स अपना वैक्सीन का कंप्लीट करना है। और इसका रीजन बहुत ही सिंपल है कि मेरे को अपना एंटीबॉडी जो मेरा विद टाइम धीरे धीरे डिक्लाइन कर रहा है उसको मुझे वापस से अपना वैक्सीन ला के बूस्ट करना है। एंड अगेन 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 आई एम रिपीटिंग, वैक्सीन इज अ वेरी सेफ थिंग। वैक्सीन के अभी तक जितने भी Phase 3 trials हुए हैं उसमें साइड इफेक्ट्स नहीं है। आपको सुनने में जरूर आएगा कि अरे एक पेशेंट को ये प्रॉब्लम हो गया था, एक पेशेंट को एलर्जी हो गया था, क्योंकि कोरोना का एक भी नेगेटिव न्यूज स्प्रेड्स लाइक वाइल्ड फायर। वो आपको ये नहीं बताएंगे कि 10 लाख लोगों से ज्यादा को वैक्सीन लग चुका है। यूके में ही मोर देन 5-8 लाख लोगों को वैक्सीन लग गया है, और उनमें से इतने सारे लोगों को कुछ भी साइड इफेक्ट या कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हुआ। 10 लाख में से अगर किसी एक बंदे को अगर कुछ साइड इफेक्ट होता है तो वो हर पॉसिबल दवाई का या हर पॉसिबल कोई भी आप डिस्प्रिन की गोली खा रहे हो या कोई भी आप टैबलेट खा रहे हो उसका पॉसिबली 1 in 1 lakh साइड इफेक्ट हो सकता है। तो हमें ऐसी एक पर्टिकुलर केस की न्यूज से नहीं डरना। अगर किसी को बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट हो रहे होंगे कि सपोज 1 लाख में से मैं कहता हूँ बहुत ज्यादा नहीं, 1000 लोगों को भी अगर कुछ नुकसान वो वैक्सीन कर रहा होगा, तो वो वैक्सीन के जो कंट्रोलिंग बॉडीज होते हैं, जो गवर्नमेंट्स होते हैं, जो हॉस्पिटल्स हैं, साइंटिस्ट हैं, वो उस वैक्सीन को अपने आप ही विड्रॉ कर लेगा। तो वैक्सीन इज अ वेरी 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 सेफ थिंग। वैक्सीन लेने से पहले, आज की डेट से पहले हमने कभी नहीं सोचा चोट लगती है, टेटनस लगवाते हैं बच्चों को, हम हर महीने ऑलमोस्ट एक वैक्सीन लगवाते हैं, तो वैक्सीन का हमने आज तक कभी कोई इतना हवा या एप्रीहेंशन नहीं बनाया है। तो आई होप कि इस वैक्सीन के लिए भी वी विल नॉट बी वरिड। Everybody should be vaccinated when they get a chance, and vaccine is the only way to stop this pandemic. And for the final time, I'm saying, corona recovered patient को भी वैक्सीन वैसे ही लेना है जैसे एक नॉन कोरोना पॉजिटिव लेगा, ताकि हमारा एंटीबॉडी रिस्पॉन्स ज्यादा से ज्यादा बन सके। आई थिंक थैंक यू, दिस इज ऑल फॉर दिस साइड, बट वैक्सीन इज द क्योर ऑफ दिस पेंडेमिक, ये हमें हमेशा ध्यान रखना।